अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वीडियो के साथ आई एम हेयर, दैट्स अ रिएक्शन वीडियो ऑन दिस लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ अपसाइक्लिंग प्लास्टिक। रिसेंटली आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन माय इंस्टाग्राम और मैंने क्या देखा कि काफ़ी सारे लोग पिक्चर्स शेयर कर रहे थे ऑफ रिसाइकलिंग देयर और री यूजिंग देयर प्लास्टिक बॉटल्स और उससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाने। सो मुझे भी हुआ कि आई शुड ऑल्सो ट्राई दिस, क्योंकि दैट वॉज लुकिंग वेरी फैसिनेटिंग। सो वॉट आई डिड, आई जस्ट लुकड अराउंड स्टफ और जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें उठाई, क्या क्या चीज़ें चाहिए थी वो सारी मैंने देखी। प्लास्टिक भी मेरे पास पड़ा हुआ था, बहुत सारी बॉटल्स पड़ी हुई थी, देन आई हैड कैंडल्स, उसके अलावा सोल्डरिंग आयरन भी थी, कटर्स भी थे, तो आई थॉट कि क्यों ना कर लिया जाए। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की और आई स्टार्टेड वर्किंग। उसके बाद मैंने स्टोव की हेल्प से कटर को गर्म किया और जो सारी चीज़ें मैं रिमूव करना चाहती थी फ्रॉम माय प्लास्टिक बॉटल उसको मैंने रिमूव किया, इंक्लूडिंग द रिंग और नीचे वाला पार्ट वो सब। तो फिर इस सबको बर्न किया जो मुझे नहीं चाहिए था और मैंने बर्न करना स्टार्ट किया लाइटर की मदद से अपनी बॉटल को, ताकि उसको मैं शेप दे सकूँ, रफ एजेस ना बनें। मैंने बॉटल को बॉटम से कट किया इंस्टेड ऑफ कटिंग फ्रॉम द टॉप। लिड वाली जो साइड थी उसको मैंने ऐसे ही रखा, उसको आई डिसाइडेड कि मैं उसे अपसाइड डाउन करके यूज़ करूँगी। फिर मैंने उस बॉटल को रिफाइन करवाया विद द हेल्प ऑफ, ये करने के बाद विद द हेल्प ऑफ सोल्डरिंग आयरन आई जस्ट स्टार्टेड पुटिंग होल्स इन द बॉटल। अब ये है कि हीट अप हो जाए काफिया या सोल्डरिंग आयरन, उसको अच्छे से आपने हीट अप करना है और जब काफ़ी टेम्परेचर आपको लगे इट्स फाइन, चेक कर लेना बीच में। तो अपने डिज़ायर्ड अमाउंट के साथ आपने प्रेशर देना है कि आपको कितना सर्कल या जो भी आपने पैटर्न क्रिएट करना है वो चाहिए। आई एम जस्ट रेंडमली डूइंग दिस क्योंकि मेरे माइंड में कुछ ऐसा था नहीं, बस आई वाज वांटिंग कि मैं जल्दी से जो भी ये तरीका है ना, आई जस्ट ट्राई दिस। ये तरीका मैंने इस यूट्यूबर के उस पर देखा था, क्या कहेंगे, चैनल पर। तो मुझे रियली आई वॉज रियली फैसिनेटेड, मुझे बहुत मज़ा आया, ट्रस्ट मी। आई एम पुटिंग अप द लिंक बिलो, आप लोग जाकर देखो कि उसने कैसा काम किया है, उसका काम भी मुझे बहुत मजे का लगा। खैर अभी तो मैं ये कर रही हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ माई थिंग टर्न आउट, इट वॉज रियली अमेजिंग, रियली लुक एट दिस। छोटू सी बॉटल है लेकिन मजे किया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ किया क्या। अच्छा जी, जो मेरे पास कैंडल पड़ी हुई थी उसमें मैंने अपनी बॉटल को अपसाइड डाउन करके इंसर्ट किया। आई मेड श्योर कि जो इसका लिड वाला पार्ट है वो नजर ना आए, और इसको फिर मैंने लिट किया विद द हेल्प ऑफ लाइटर। अब जी जब लाइट्स हमने ऑफ की उसके बाद जो इसका एम्बियंस बना, दैट वाज सो गुड। मैं आपको दिखाती हूँ लाइट्स ऑफ करके, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल। पूरे रूम का जो एम्बियंस बना ना, इट वाज सो गुड। इसके बाद जो हम लोगों ने इसका शूट किया, ओ माय गॉड, लेट मी शो यू। ट्रस्ट में जितना ये मज़े का लग रहा है ना, उससे ज़्यादा मज़ा हमें शूट करने में आया। हमने इतनी पिक्चर्स बनाई, इतनी वीडियोस बनाई, और जब हम लोगों ने लाइट्स ऑन की तो इस बेचारे का प्लास्टिक सारे का सारा मेल्ट हो चुका था। लुक एट दिस, व्हाट हैपेंड टू इट। अब यहाँ मुझसे मिस्टेक ये हुई कि आई डिडंट रियलाइज कि आई एम यूजिंग प्लास्टिक विद कैंडल। ऑब्वियसली प्लास्टिक जब हीट अप होगा तो इसने बर्न होना है। से हुआ ये है कि मेरा ये जो भी मैंने बनाया, इट हैज़ बीन डूम्ड लिटरली, बट द होल प्रोसेस वॉज सो अमेजिंग, मुझे बहुत मज़ा आया। इसका दूसरा हल ये है कि आप फेरी लाइट्स या एलईडीज यूज़ करो, उसका भी ये होगा कि आपका प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। और दूसरा ये होगा कि एम्बियंस कैंडल्स ऐसा नहीं आएगा, कैंडल्स का एम्बियंस बहुत खूबसूरत था। तो जल्दी से बताएं कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कभी कि आपने कोई हैक ऑनलाइन देखा हो और व्हेन यू ट्राई इट टर्न्स आउट सो बैड, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस और जिस तरह का दिखाया जा रहा हो वैसा ना निकले। तो अगर ऐसा हुआ है या किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम और मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, व्हाट यू ट्राइड और कैसे रिजल्ट रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी गोल्ड फ्लेक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जाके देखिए। और जाते जाते इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं कोई सी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।